सो है व्हाट्स अप योर फैमिली, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होगे और फिट होगे। सो गाइस, आज आप सबके सामने रखा हुआ है नेक्रो का वे गोल्ड। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। बिग बिलियन डेज की सेल चल रही थी तो मुझे ये सिर्फ 1500 रुपए मिला। इसकी एमआरपी 2999 है, बट मुझे ये 1500-1600 के आसपास मिल गया। ये 30 सर्विंग का एक पाउच है। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, फ्लिपकार्ट से मैं सप्लीमेंट खरीद रहा था, मुझे थोड़ा डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे नकली सामान दे दे। तो गाइस, इनके इस पैकेट के ऊपर ही इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इन्होंने एक क्यूआर कोड प्लस एक स्क्रैच कूपन दे रखा है, जिसे आप स्क्रैच करके इनके दिए हुए नंबर पर आप भेज सकते हो। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। तो गाइस, मेरा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, पूरी तरह से मुझे अब चिंता नहीं है। गाइस, ये फ्लेवर है कुकीज एंड क्रीम। इसकी पैकेजिंग की बात करता हूं गाइस, तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई। इसका जो वेलक्रो है गाइस, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक बार बंद होने के बाद अगर आप इसे सोचो कि ये अपने आप से खुल सकता है हवा से या दबने की वजह से, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इसके अलावा इसकी पैकेजिंग में कुछ खास बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुकीज एंड क्रीम का मुझे नहीं पता क्यों यहां पर टैग लगा रखा है, तो मुझे नहीं समझ में कि ऐसा क्यों कर रखा है। प्रॉपरली इस पे मेंशन कर सकते हो कुकीज एंड क्रीम। बात करते हैं गाइस न्यूट्रिशन पैक्स की। गाइस, इसमें दो न्यूट्रिशन पैक दे रखे हैं, एक इसका अनफ्लेवर्ड वर्जन। इसके अनफ्लेवर्ड वर्जन में तो न्यूट्रिशन होता है वो कितना होगा, और इसका फ्लेवर वाला वर्जन। तो गाइस, हम इसके फ्लेवर वाले वर्जन की ही बात करें क्योंकि ये फ्लेवर है, जाहिर सी बात है। तो इसका 33 ग्राम का स्कूप है गाइस। जी हाँ, 33 ग्राम के स्कूप में ये आपको देते हैं 24.76 ग्राम प्रोटीन, 3.46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और इन्होंने मेंशन किया कि इसमें शुगर जीरो है। उसके बारे में अभी बाद में आगे बात करूंगा कि इसमें शुगर जीरो होने के बाद भी क्या मुझे देखने को मिला है। गाइस, बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट की कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो गाइस इसके अंदर वे प्रोटीन कंसंट्रेट है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि ये आपको कोई ब्लेंड नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वे प्रोटीन कंसंट्रेट दे रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। गाइस, इसमें नेचुरल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, ये भी अच्छी बात है। इसमें ज़ैंथम गम मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मुझे कुछ दिक्कत कर रहा है, वो आपको इसकी मिक्सिबिलिटी में देखने को मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, सीधे आते हैं अब इसकी मिक्सिबिलिटी पे ही। इसकी पैकेट को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आपकी इसकी पैकेट काफ़ी टाइट है, और जी हाँ, आप देख सकते हो, ये इसकी मैंने पैकेजिंग खोली। अब कोई कट नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप कोई कट ना हो, तो अगर कोई साउंड आता है तो उसको थोड़ा सा समझ लेना। गाइस, ज़ैंथम गम की वजह से प्रॉब्लम क्या होती पता है? ज़ैंथम गम जो डाला जाता है वो आपके प्रोटीन की मिक्सिबिलिटी और उसके थिकनेस के लिए होता है, ताकि उसकी थिकनेस मेंटेन रखी जाए। इसका स्कूप मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक कलर का स्कूप है। तो जो शेक बनता है गाइस प्रोटीन का, उसमें जो थिकनेस आती है, उसके लिए ज़ैंथम गम का यूज़ किया जाता है। तो आपके सामने मैंने एक स्कूप वे प्रोटीन डाला है, और ज़ैंथम गम मोस्टली कई प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, मतलब कई कंपनीज यूज़ करती हैं, इन्होंने भी यूज़ किया है। गाइस, इसकी मिक्सिबिलिटी की बात करूँ तो आसानी से मिक्स हो जाता है। छोटे मोटे मैंने देखा कि इसमें लम्स आ रहे हैं हल्के फुल्के, बट उतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम गाइस ज़ैंथम गम की वजह से मुझे आई, मतलब सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मुझे आई है, इसका जो शेक है गाइस वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, अगर आपको गाढ़ा प्रोटीन शेक पीने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप पी सकते हो। अब आपके सामने इसको टेस्ट करने वाला हूं। मैंने इसे कम से कम 12 दिन यूज किया है गाइस। ये फ्लेवर, हो सकता है और फ्लेवर का प्रॉब्लम ना हो, इस फ्लेवर के साथ मुझे प्रॉब्लम मिली गाइस कि अगर मैं इसको सादे पानी के साथ पीने की कोशिश करूं तो मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, ये ठंडे पानी के साथ मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे गले से उतर जाता है, बट ज़ैंथम गम की वजह से मुझे अजीब सा टेस्ट आता है, और प्लस ये थोड़ा इसका शेप थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा गाढ़ा रहता है, तो मुझे उतना कुछ खास ये पीने में नहीं लगता। गाइज, इसकी बात को रिजल्ट की तो रिजल्ट इसका ठीक ठाक है। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हो तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे ये दे रहे हैं इस प्रोडक्ट को, वो काफ़ी हद तक अच्छा है। बाकी हो सकता हो कि अब ये थोड़ा महंगा हो गया हो, 1600-1700 रुपए का हो गया हो, बट अगर आपको ये 1500 के आसपास मिलता है तो आप इसे एक बार लेके जरूर ट्राई करें। और इसके टेस्ट की बात करता हूँ गाइस, इसका जो टेस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट फिर भी ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा मीठापन है, और इसमें एडेड शुगर भी नहीं है, इसमें शुगर ही नहीं है, बट इसके अंदर सुक्रालोज यूज़ किया गया है, जो कि फिर भी ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है सुक्रालोज। बट सुक्रालोज के साथ एक प्रॉब्लम है गाइस कि आप सुक्रालोज बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सुक्रालोज बहुत अच्छे से शायद डाइजेस्ट नहीं होता है। आई होप मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है सुक्रालोज के बारे में वही मैं बता रहा हूँ, बॉडी उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करती। सो इसलिए मैं सुक्रालोज, हालांकि शुगर से तो लाख गुना बेटर है सुक्रालोज, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसे लेते हो प्लीज़ 2-3 महीने के बाद इसे स्विच कर देना, इसका कोई और प्रोटीन या कोई भी और प्रोटीन यूज़ कर सकते हो आप, बट इसे लॉन्ग टर्म में लगातार प्लीज़ मत यूज़ करना। हो सकता है कोई पहली बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करने का मन न करे, वो खैर आपकी चॉइस है। गाइस, जो भी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई टेस्ट खास करके, वो हो सकता हो अलग अलग
रिस्पॉन्स आए लोगों का, मेरा अलग है, आपका अलग है, हो सकता है ये आपको बहुत अच्छा लगे, मुझे जो लगा मैंने बताया। सो गाइस एज अ कस्टमर मैंने जो भी फील किया इस प्रोडक्ट को लेकर के वो मैंने आपके आगे रखा है। ऐसे ही वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट्स खुद यूज करके ही आपको रिव्यूज देता हूं। आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनो गाइस, आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो जहां पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूं, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। इसको पी लेते हैं यार। मजा नहीं आ रहा है।